हेलो दोस्तों, आज मैंने लिया है जो BSNL का जो टैबलेट है वो लिया है और आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करना वाला हूँ। ये जो है BSNL का है, जो पेंटागन है P40 Pro है, आप देख सकते हैं P40 Pro है। इसका जो है 4 GB रैम है और जो है 32 GB इसका जो है मेमोरी है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि ये जो टैब है वो कैसा होता है, इसका जो बारे में इसका बैटरी बैकअप कितना है, कैसा है, मैं सब बताने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो लगता है अच्छा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है BSNL का पेंटागन, ये जो P40 Pro है, तो ये मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। क्योंकि YouTube में सर्च करने के बाद मैंने सर्च किया था जो लेने से पहले, लेकिन एक भी सर्च में नहीं आया था। तो आज ये लगता है YouTube में फर्स्ट वीडियो होगा जो मैं ये अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये वीडियो BSNL का जो है ना P40 Pro है। तो मैं इसका बारे में और इसका जो कैसा कैमरा है, इसका बैटरी, इसका जो वीडियो क्वालिटी कैसा है, पूरा दिखाने वाला हूँ। चलिए फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो है इस तरह से कुछ है, इसका बॉक्सिंग और ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ओपनिंग है। और सबसे पहले जो है टैबलेट है जो गोल्डन कलर का है, पीछे से आगे से वाइट है। ओके, आप देख सकते हैं ये टैब हो गया। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे आपको जो जितना भी है इसका चार्जर केबल है पूरा मिल जाएगा। वाह, इसके साथ भी जो है कीबोर्ड भी है। देखो आप, ये जो है वायरलेस कीबोर्ड है, ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड है जो आप इसमें जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, चलो खोल देखते हैं। इसमें चार्जर है, ये चार्जर दिया है जो कि फास्ट चार्जर लिखा हुआ है, वो भी देख लेंगे। और इसका जो केबल है, चार्जिंग केबल, वो सी टाइप है, टाइप सी है, आप देख सकते हैं टाइप सी केबल है। और इसके साथ OTG केबल देता है ये, जो आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो। और इसमें जो है वो नॉर्मल जो हेडफोन होता है वो है, इसको भी खोल लेते हैं। ओके, तो इसके साथ जो हेडफोन है ये जो है नॉर्मल दिया गया है, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हेडफोन है। तो इसके साथ क्या क्या आ गया, टैबलेट हो गया, चार्जर केबल जो है फास्ट चार्जर है, आप देख सकते हैं फास्ट चार्जर है। उसके साथ इसका टाइप सी केबल है, इसका OTG है हेडफोन। और ये जो है, चलिए ये भी रख देते हैं इधर, और ये भी हो गया। इसके साथ जो ये कार्ड आता है, ओके, तो आप मैनुअल कर सकते हो। के बाद ये हो गया कीबोर्ड, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कीबोर्ड लगता है। टैब है, कीबोर्ड है, वायरलेस है, यहाँ आप देख सकते हैं कनेक्ट का ऑप्शन है। ओके, जो ब्लूटूथ का ऑप्शन, ये ब्लूटूथ कीबोर्ड है, आप ब्लूटूथ मतलब कोई भी मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। ओके, उसके बाद हो गया कवर, इसका जो बैक कवर है ये है, बैक कवर फंक्शन भी है, आप स्टैंड कर सकते, देख सकते हैं ऐसा सिस्टम। ओके, तो फिलहाल ये पूरा इतना दिखा दिया, आप चलिए इसको ओपन करके देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। वाह, चमचमाती, ये देखो गोल्डन कलर का है, इतना मस्त है। ये BSNL का P40 Pro है। ओके, इसका जो साइज़ है 10.1 इंच है, 10.1 इंच है, जो कि बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इसका जो है 4 GB रैम है, 4 GB रैम है, और इसका जो 32 GB मेमोरी कार्ड है जो इनसाइड है, और इसका जो बैटरी है वो सबसे बड़ी बात है। इसका बैटरी
और सबसे बड़ी बात यह है इसका कि इसकी जो बैटरी है वो 10,000 mAh की है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसका जो बैटरी बैकअप है वो 10,000 mAh की है, वो भी देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है 10,000 mAh बैटरी है और IPS LCD है। ओके, LED नहीं है, LCD है। तो ये टैबलेट घर के लिए अच्छा है, जो कि YouTube वगैरह और कॉलिंग के लिए बहुत अच्छा है, और गेम वगैरह के लिए अच्छा है। तो ये क्योंकि ये जो है 10,000 mAh बैटरी आने वाली है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या, कैसे क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी कैसा, साउंड कैसा है वगैरह वगैरह। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं, ऑन हो गया। BSN पेंटा लगता है, BSN और ये पेंटा जो एक ही कंपनी है और पार्टनरशिप है, मालूम नहीं ये बात मेरे को। तो रजिस्टर हो रहा है, खुल जा सिम सिम। ओह देखिए ये खुल गया इस तरह से, आप इस तरह से रखिए या इस तरह से रखिए, लग रहा है ये 10 इंच का TV है ना, क्योंकि ये इसका स्क्रीन है कमाल का है, इसमें YouTube देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, पीछे कैमरा से दिखाता हूँ। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी है, इतना अच्छा रहा है, इसका जो स्क्रीन है लाजवाब है। तो इसका कैमरा हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कैमरा जो है आगे का 8 MP, पीछे का 16 MP देख सकते हैं आप, 16 MP अच्छी खासी कैमरा है, काम चल जाता है वीडियो कॉलिंग के लिए। और इसके आगे कैमरा देखेंगे, इसकी आगे कैमरा देखते हैं, आगे कैमरा हो गया भाई लोग, ये 8 MP का है जो आप देख सकते हैं, मैं मोबाइल शूट कर रहा हूँ, तो ठीक ही है, खास इतना अच्छा तो नहीं लेकिन चलेगा। ये घर के लिए अच्छा है, जो कि गेमिंग के लिए और YouTube वगैरह देखने के लिए, फिल्म वगैरह देखने के लिए अच्छा है, और वीडियो कॉल करने लेकिन। तो चलिए इसका जो है YouTube चला के देखते हैं कि इसका जो क्वालिटी है कैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका फास्ट जो है काफ़ी अच्छा है, स्लो नहीं चल रहा है, क्योंकि 4 GB रैम है ना, इसलिए स्लो नहीं चल रहा है। देखो आप इसका फास्ट देखो, स्मूथ भी है, इतना स्लो नहीं है ना, आप देख सकते हैं फास्ट है। तो मैं अपना चैनल खोल लेता हूँ, चला लेता हूँ इसमें, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो मेरा चैनल जो है इसमें सर्च कर लेते हैं, कान लोग ऑफिशियल, ये जो मेरा चैनल है मैंने सर्च किया है, ओके दिखाने के लिए। तो चलिए हम जो है मेरा YouTube का चैनल है ये जो है ये ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका जो क्वालिटी है अच्छा है, और ऐसे करेंगे तो हो गया लाजवाब 12 स्क्रीन में। तो आप देख सकते हैं यार यार ये तो 12 TV है, TV मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया भाई। ये टैब मेरे को बहुत पसंद पड़ा, आप बेबिचक ले सकते हो, लेकिन मेरे को बैटरी बैकअप को मालूम नहीं, मैं चलाऊंगा उसके बाद बोलूंगा कि बैटरी बैकअप कैसा है, नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो है जितना भी चीज़ें यहाँ पर है मौजूद वो सब ठीक है, चल रहा है, और अब तक मैंने चार्ज नहीं किया है, चार्ज फुल चार्ज करूँगा और उसके बाद इसका जो बैटरी बैकअप मैं देखूँगा। फ़िलहाल अभी बहुत अच्छा है, मज़ा है, चल रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी अच्छा है ना, तो इसके पीछे कर सकते हैं ऐसे करके, सॉरी इधर से होगा, और बाद में कि आप ऐसे चला सकते हैं, देखिए कितना अच्छा है ना, बड़ा स्क्रीन। तो इसमें जो एप्लीकेशन कुछ भी नहीं होता है, आपको कुछ डाउनलोड खुद ही डाउनलोड करना पड़ेगा, जितना भी एप्लीकेशन ईमो वगैरह व्हाट्सअप यूट्यूब पूरा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बाद बाकी जो इसका जो जो है स्लिम तो स्लिम ही है, यहाँ पे इसका बटन है वॉल्यूम का और इसका स्विचर खोलने का, और इसका सिम किधर है, तो
यहाँ पे जो है हेडफोन हो गया, इस साइड में देख सकते हैं इस साइड में, और चार्जिंग केबल जो है आपको यहाँ पे, चार्जिंग केबल यहाँ पे है। बाद में ऑल ओवर बहुत अच्छा है, ओके स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, सब अच्छा है। तो ये है, आप देख सकते हो ये पेंटा का P40 Pro है ना, बीएसएनएल पेंटा P40 Pro है, जो कि बहुत अच्छा है, विद कीबोर्ड है, फ्री कीबोर्ड है, IPS स्क्रीन है, 3000 mAh बैटरी है, जो कि अच्छा क्वालिटी है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, चलेगा। इसका इसका कलर है जो आप देख सकते हैं गोल्डन कलर, बहुत अच्छा है ना, चमचमाती है, ये देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये अनबॉक्सिंग आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो कीजिए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ में, आपके लिए गुड बाय।